Subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. ये हमने 1000 लीटर का आपका BMC का मॉडल बनाया है। इसको बल्क मिल्क कूलर और बल्क मिल्क चिलिंग टैंक दोनों बोलते हैं। ये इसकी आउटडोर यूनिट है। इसमें मैनुअल मोड और ऑटो मोड दोनों दिखाया गया है। आपका सेंटर में आपका ऑफ हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमने देखिए डायरेक्शन भी दिखाया गया है और नीचे की तरफ आपका ये ऑटो मोड है और ऊपर की तरफ मैनुअल मोड है। आप देख सकते हो ये पूरी आउटडोर यूनिट है। इसमें आपका ये इनलेट और आउटलेट कनेक्शन है कॉपर कोयल के साथ और डिम्पल प्लेट इसके टैंक के अंदर होती है। आप सामने से देखिए इसको टैंक को। ये आपका पूरा मिरर फिनिशिंग में मिलेगा। ये हमारा कंपनी का आपका सामने से डिटेल मिल जाएगी। और ये कंट्रोल पैनल आपका स्मार्ट डिजिटल पैनल भी बोलते हैं इसको। ये इसमें स्क्रीन है आपकी। इसमें आपको वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर सब कुछ इसी में शो करेगा। अभी हमने ऑटो मोड पर चलाया गया है तो इस वजह से इसमें भी एजिटेटर और कंप्रेसर आपका अभी ऑफ है। जैसे ही 3 से 5 मिनट में आपका कंप्रेसर चल जाएगा आपका दोनों आइटम ऑपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें जो भी आपका स्क्रीन में आपका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों दिखाएगा। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। आप आइए इसके स्विच पर। ये जो आपका फर्स्ट स्विच है ये बल्क मिल्क कूलर का आपको अगर मैनुअल मोड पे चलाएंगे तो ओपन करने के लिए है। ये देखिए आप इसको मैं ढक्कन खोल के दिखा रहा हूँ। ये आपका जो सेकंड स्विच है ये आपका कंप्रेसर यूनिट के लिए है और थर्ड स्विच आपका एजिटेटर के लिए है ऑन ऑफ करने के लिए। और जो सेकंड रो में जो आपका रेड स्विच है वो आपका सेटिंग के लिए है और जो फर्स्ट येलो वो अपर और सेकंड जो है वो डाउन के लिए है। तो ये टोटल इसमें 6 स्विच है। आप इसको अंदर की तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए एजिटेटर आपका चल गया और ये इसमें आपका नीचे की तरफ डिम्पल प्लेट है जो आपको इसको प्रॉपर 1000 लीटर 3 आवर्स में कूलिंग कर देगी। अब देखिए इसकी 26 से 30 RPM एजिटेटर की स्पीड होती है। आप ये देखिए इसको सामने से। ये हमारी कंपनी की डिटेल है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप ये नीचे की तरफ देख सकते हो इसमें हमने बटरफ्लाई वाल लगाया हुआ है। ये आपका बोथ यूनियन टाइप लगाया हुआ है। आगे और पीछे इसमें यूनियन लगा हुआ है। 1.5 इंची का है ये आपका। इसको पीछे की तरफ करके खोलोगे तो खुल जाएगा आराम। अब फिर से एक बार देख लीजिए इसको टैंक को। इधर से भी देख लीजिए आपको साइड व्यू। एक बार फिर से आप इस आउटडोर यूनिट को देख लीजिए। इसमें आपको ये कनेक्शन दिखाया गया है इनलेट और आउटलेट। आपका एक सक्शन लाइन है और एक आपकी लिक्विड लाइन है। देख लीजिए नीचे की तरफ डिम्पल है और ये चारों तरफ से आपका इंसुलेशन है तो इसमें ज़रा सी भी आपकी कूलिंग लॉस नहीं होगी। आउटसाइड की हीटिंग जो है वो अंदर की तरफ नहीं आएगी। अब हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। इसको आप खोल के चेक भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने बंद कर दिया। अब देखिए ये आपका कंप्रेसर चल चुका। मैं आपको दिखाता हूँ एजिटेटर ऑन है और आपका ये कंप्रेसर भी ऑन है। दोनों इसमें ऑन दिखाएगा और एक की क्वांटिटी है, मतलब एजिटेटर की भी एक है और कंप्रेसर की भी एक है। बाकी आपको पिछली वीडियो में आपको कंट्रोल पैनल की जो स्पेसिफिकेशन है वो मिल जाएगी। अब देख सकते हो ओके का।